सत श्री अकाल बच्चू क्या हाल है पा। बच्चू पा। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ना ये फाइंड आउट किया कि कहाँ से होता है, क्योंकि मैंने कोई वो लाइव चैट किया ही नहीं था। तो मैंने भी नहीं किया है, मैं अभी ये लॉकडाउन में कर रहा हूँ लाइव चैट टाइम पास। ये मैंने कहा चलो देखते हैं ये एक्चुअली अभी है समझ में क्या। आया मुझे, क्या है पता है, जब आप मैसेज भेज रहे हो ना, वो मैसेज पे मुझे क्लिक करना है, हाँ और वो क्लिक जब करता हूँ मैं तो ऑप्शन आते हैं, तीन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होता है कि गो लाइव विद हरभजन, गो हाइड हरभजन सिंह, और दो तीन और ऑप्शन है। तो वो गलती हो रहा था मेरे से। हाँ हम कौन से इंस्टाग्राम के वो है बज्जू भाई, यार आपको तो पता ही है, युवराज सिंह है इंस्टाग्राम किंग। युवराज सिंह तो है। अभी युवराज सिंह से भी मैं बात कर रहा था पिछले पिछले हफ्ते में, मैंने तो देखे उसके उन्होंने, बाल ऐसे लगे हैं जैसे 2 साल से बाल ही नहीं काटे उसने अपने। ओ यार सीरियसली, मैं सच में लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर है ना उनपे हो रहा है। बाल अभी देखे आपने, सब जगह से निकल रहे बाल। कान से निकलने शुरू हो गए। ओ एक उसके बाल बढ़ रहे हैं और एक उसका पेट बढ़ रहा है लॉकडाउन में। यार, काश मैं उनको खुलेआम ये सब बोल सकता, आपको पता ही है। क्या हाल चाल, ठीक हो? फैमिली बढ़िया बचुआ, बस ऐसे ही चिल कर रहे हैं घर पे अभी, और क्या, फैमिली ठीक है? छोटी ठीक है? सब ठीक है, आपके घर पे सब ठीक है? हाँ बढ़िया, फर्स्ट भाभी क्लास, नया सब खाना ठीक ठाक। वाना बना के खिला रहे हो कि नहीं उनको? हाँ ये देखना कुकिंग ही चल रहा था मेरा। ओए वाह वाह वाह, ठीक है, ये आलू मैंने आज पनीर बनाया है अरबी। अरबी अरबी। समझता है? हाँ, मैंने सुना है बट कभी पता ही अरबी है और उसमें थोड़ा आलू डाल दिया मैंने, क्योंकि अरबी कम थी। अच्छा अच्छा देखते देखते क्या बनता है। बाकी और कुछ खास कर रहे हो आप लॉकडाउन के वक्त? कुकिंग सीख ली है मैंने। कुकिंग सीख लिया आपने? अब हमारा महाराज आए ना आए, तो एक महाराज तो अब मैं हूं ही। खाना तो मिल ही जाएगा। हाँ खाना तो मैं बना ही लूंगा, और कुकिंग के अलावा थोड़ी बहुत आज सफाई की, पंखे वंखे साफ किए घर के, एसी के हाँ वो एसी के जो वो नहीं होते वो अंदर जालियां, वो निकाल निकाल के साफ करी। तो हाँ बस ये सब चल रहा है। थोड़ा बहुत योगा करते हैं डेली, लेकिन 1-1.5 घंटा। हाँ लकीली मेरे पास भी यहाँ पर थोड़ा सा बैल्कनी है ठीक ठाक, तो वहां पे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ जो भी मौका मिलता है करने का। लवली। और कुकिंग? कुकिंग यार बच्चुआ मेरा, मैंने ट्राई किया बट मैं, रितिका बना लेती है तो मैं उसको थोड़ा हेल्प वेल्प कर देता हूँ, कट जो काटना वटना पड़ता है ना वो कर लेता हूँ, बट एक्चुअल कुकिंग कुकिंग नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं नहीं हो आता सकता है मेरे से। ये देख, मैं तो कर रहा हूं लगातार। अब इसको बस हिलाना है थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े टाइम, ताकि वो नीचे ना लग जाए। हाँ, लॉकडाउन और के कल पहले बच्चू आप मेरे को ये पूछना था आपसे, आप पूरे साल भर आपने क्रिकेट तो खेला नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के पहले आप कैंप में दिखाई दिए थे सीएसके के साथ, तो मतलब मैं आप, गया हुआ था खेल तैयारी के लिए, कि चलो सारा जो साल निकल गया वो तो कमेंट्री वगैरह में निकल गया, क्योंकि अभी मैं वो देख नहीं रहा हूँ कोई कमबैक या कुछ, मेरे को ऐसा कोई वो नहीं था। तो हाँ यही था कि एटलीस्ट मैं जो ये मुझे कुकिंग सिखाती है लड़की जो पीछे गई है, हाँ तो गया हुआ था मैं। मैंने कहा देखते हैं बॉडी कैसे चल रही है। बॉडी जब तक चलनी शुरू हुई, इंजन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर हाँ वापस आना हुआ। वापस आके उसके बाद घर से निकला ही नहीं। 13 तारीख को आया था लास्ट, पिछले महीने की, तो उसके हाँ बाद जा नहीं पाया। अच्छा ये तुम्हारे साथ, लॉकडाउन, तुम्हारे साथ था पहला मैच 29 को, और कल भी है मुंबई कल इंडियंस के साथ मैच 24 तारीख को। कल कौन सा मैच है? कल था, अगर ये सब नहीं होता तो हाँ कल मुंबई इंडियन के साथ कल मैच था सीएसके का ओ यस 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 चेन्नई में। और पाजी का बर्थडे का प्लान था कि पाजी वहां आएंगे तो बर्थडे वहां प्लान करेंगे। ये यार, ये चाइनीज लोग ने क्या कर दिया है यार, पता नहीं बैठो घर पे बिठा दिया पूरे दुनिया को। घर पे बैठो। अच्छा
कैसी तेरी फिटनेस? चल रहा है बज्जुबा अभी थोड़ा, जो मेरे घर के बाहर जो सीढ़ियां होती है ना घर के बाहर, मैं उसमें थोड़ा बहुत, मैं जो भी थोड़ा स्ट्रेंथ वर्क है जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ वो उस पे कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा अभी मैं जस्ट उसके पहले इंजर्ड हुआ था ना, हाँ आई नो। लॉकडाउन के पहले इंजर्ड ही था मैं, तो काफ काफ पे अपने वर्क कर रहा था, काफ इंजरी हुआ था तो लोअर बॉडी पे मैं थोड़ा वर्क कर रहा था, तो यहाँ पर जो अब घर के बाहर जो सीढ़िया है उस पे मैं वो ऊपर नीचे करता हूँ, सिंगल लेग ये वो जो भी कर सकता हूँ जितना भी वो यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके एंड हाँ व्हाट मतलब प्लान्स अभी तुम्हारा फॉर योर बर्थडे? योर बर्थडे इज कमिंग ऑन 30th। भाजी पता नहीं अभी देखते, घर पे ही हूँ मैं तो जो भी रहेगा घर से ही रहेगा, कुछ ऐसा खास प्लानिंग का कोई प्लान नहीं हुआ है, घर में केक वेक बनाएंगे हम, हमने बनाने का वो डिसाइड किया है कि घर में केक बेक करेंगे और घर से आपस में सेलिब्रेट करेंगे, जितना कुछ हो सकता है देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकता हूँ या नहीं। वैसे लोगों के साथ तो सेलिब्रेट इस टाइम पे तो वो सही ऑप्शन नहीं है। बढ़िया है, चलो घर के साथ है, छोटी के साथ सेलिब्रेट करो। हाँ भाई अब देखो अब ये तो मतलब हर साल ऐसे तो होता नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से जो भी हो रहा है अभी अलग तरीके से हो रहा है, किसी को किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये। बिल्कुल यार, ये तो हालत ऐसी हो गई है, सब्जी लेने जाने में ऐसे लग रहा है पता नहीं कि कोई मारेगा पकड़ के सड़क पे। हाँ ऐसे ही वही फील है, मैं एक दो बार जब हमारे घर के नीचे मैं सब्जी लेने गया था तो वैसे ही फील था। डर लगता है यार कि कौन है वो सब्जी देने वाला भी आता है ना गाड़ी में, मैं गाड़ी की डिक्की खोलता हूँ वो रखता है तो भी डर लगता है कि कोई सब्जी में से उठ के कोई मुझे ना चिपक जाए कुछ। अभी कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा सीरियसली यार पता ही नहीं है क्या ये इन्होंने छोड़ दिया है। है। ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना इधर, क्या लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नाम ले लो एक बार। ले लो भाई इनका नाम ले लो, अरे मतलब जीवन लाल आया था किसी का नाम। कम ओझा भी घूम रहा है इधर, ऑन हेलो बज्जुबा कम ऑन यार गैजा। यार गैजा। हाँ बज्जुबा को बोल रहे हैं कि बज्जुबा को पूछ कि गैजा क्या है मतलब। अरे ओजी जाके सो जा, तेरा टाइम हो गया, वैसे भी 7:30 बजे हाँ होता था, तू जा सो जा। अच्छा फिटनेस पे कर रहा है ओजी ये मैच में आज खेल रहा था इससे पहले, वो हाँ देखा मैंने देखा कहता है टेक माय वो नेम प्लीज। ओ तेरा जी असली नाम लें क्या? ओ जी वो जी तेरा असली नाम बता दें क्या इधर? ये ऐसे ऐसे वो जी ऐसे बैठा रहता था और सो भी ऐसे ही जाता अभी वो मैंने सोचा है कि उसे कुछ फोटो वोटो डालना चाहिए अपने को। अरे था। हाँ बच्चों का लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा क्या प्लान है आपका, पहला चीज क्या मेरा करोगे? प्लान है, सबसे पहले प्लान यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी गुरुद्वारे या मंदिर या कहीं ऐसी जगह पे जाऊँ और शुक्रिया अदा करूँ पहले तो भगवान का, हाँ कि उसके बाद फिर देखेंगे। फिर मतलब कोई ऐसा कुछ ऑब्वियसली खास प्लान वैन नहीं है? ऐसा कुछ प्लान नहीं है सच कि क्या ये करना है वो करना है। मैं नॉर्मली मैं रहता ही वैसे भी घर पे ही रहता था, बट ये अभी मजबूरन रहना पड़ रहा है, हाँ ये कि बॉम्बे में हो ना अभी? हाँ मैं बॉम्बे में हूँ तो पंजाब जाना ही नहीं हुआ। पंजाब मेरा घर बन रहा था नया, तो हाँ वो अभी उसका भी काम वाम रुक गया सब, कंस्ट्रक्शन तो पूरा अटक गए हैं। लेट्स सी यार, आई होप कि ये जल्दी खत्म हो ये परेशानी जो मैं देख पूरे। रहा था आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में, वो जो लोग आपके वो काम कर रहे हैं वहां पर, लोगों को खाना खिला रहे हैं और वो सब बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार वो लोग। हाँ यार रोहित, हमने डिसाइड किया था कि 5,000 फैमिलीज को हम राशन देंगे हाँ और उसके हाँ बाद और जरूरत पड़ेगी तो और लोगों को देंगे, तो अभी चल रहा है रोज के रोज कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए यार, यही कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल हमने। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी चीज है। अच्छा ये बताओ छोटी कितने बजे सोती है? छोटी सोती है कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे। कल रात को सोई उसका लेट हो गया था काफी, वो 10:30 बजे सोई, था। बट वैसे 9 से 10 के बीच में सो जाती है वो, रात में उठती है बीच बीच में। अच्छा
और उसका कहते हैं कि ध्यान कौन रखता ज्यादा, तू या रितिका? हम दोनों रखते हैं बट रितिका ज्यादा ऑब्वियसली। आपको आपको पता है मैं जब एक बार सोता हूँ तो यार मैं रात भर उठता नहीं हूँ। कल कितने बजे उठा था तू? कल नहीं मैं उठ तो मैं सुबह को जल्दी जाता हूँ, उठ उठ तो मैं सुबह जल्दी जाता हूँ, 8 से 8:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद हम खेलते हैं उसके साथ थोड़ी देर, उसका रूटीन हमने अच्छा बना के रखा हुआ है अभी यहाँ पर। ओके, रूटीन फॉलो करते हैं और उसका भी आदत हो गया है कि वो रूटीन के हिसाब से ही खाना खाती है, सोती है, घर में खेलती है, जो भी है। अभी उनके लिए बच्चों को आप सोचो यार कितना डिफिकल्ट है। हम पहले बच्चों के लिए, अभी वो गार्डन वार्डन भी लेके जा सकते, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बस और कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आता ना ये सब क्या हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते घर के अंदर बैठ बैठ के। लकीली मेरी बेटी ने ऐसा अभी तक कुछ बोला नहीं है, क्योंकि उसको बताया था कि नीचे नहीं जाना है, सब कुछ बंद है, नीचे मना किया है, तो वो अभी तक तो वो चीज ओके। बट अभी तेरी बेटी छोटी भी है ना, तो उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, तो इसलिए वो अभी मतलब हमने अच्छा उस जब ये लॉकडाउन के पहले उसका एक अच्छा सा रूटीन बना हुआ था कि नीचे जाके शाम को खेलना बिल्डिंग में, काफी दोस्त बना लिए थे उसने, तो वो अभी पूरा बंद हो गया है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ये सब बंद क्यों हो गया, क्या हो गया, मैं नीचे क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या वजह से। Somebody is saying talk about cricket. Somebody, yes, cricket. Of course we will talk about cricket, don't worry. Yeah, Sammy Baba. बुला ले। नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ ना तो वो रोने लगता है। अटैचमेंट अभी काफी हो गया क्योंकि पिछले एक महीने से घर पे ही हूँ ना मैं, तो she is daddy's girl or mama's girl? Actually both, she loves both. Okay. Hi, hello Samaya. Say hi Baba. Hi. Ba, no ba. How are you? How are you? Ba. Give flying kiss. Thank you. Bye. Thank you. टाटा रुको मैं इसको वो दिखाता हूँ, हिनाया दिखाता हूँ, मैं हिनाया को दिखाता हूँ। बाबा लुक बेबी बेबी वेयर इज द बेबी गॉन सी स्मॉल बाबा सो डोंट क्राई Baba, baba. Don't cry, baby. What is Baba doing? Ooh, say hi. Say hi to Papa. Ba. Hi. Ba. Say, how are you? How are you? Say, I'm good. Say, good. Bolo, rona nahi hai. Rona, rona nahi hai. Rona nahi. उसका खाने का टाइम हो गया तो अभी जाके खाएगी मेरे ख्याल से, खाना खाएगी। अरे इसने भी छोटी ने अभी खाना खाया। बाय सैमी। मेरे को भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्रिकेट के बारे में, अरे हम 365 दिन क्रिकेट के बारे में ही बात करते हैं भैया, ये तो सीरियसली यार। आप लोग भी देख लो कि हम घर में जब बैठते हैं तो क्या बात करते हैं घर में रह के, दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्रिकेट के बारे में लोग पूछ ही रहे हैं तो क्रिकेट के बारे में पूछ ही लेंगे एक दूसरे को, और क्या। मैं भी पूछता हूँ आपको बज्जुबा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। मेरे को ये पूछना था, मैंने एक चीज मुझे पूछना था ये आपको कि मैंने यूवी पा को भी पूछा, उन्होंने अच्छा एक्चुअली अच्छा सजेशन दिया उसके बारे में, अच्छा उनका व्यू था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप हमको देख रहे हो खेलते हुए क्रिकेट इंडियन टीम को, और जब आप लोग खेलते थे उसमें, और डिफरेंस तो मैं नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि क्या सिमिलैरिटीज दिखते हैं आपको, मतलब दोनों टीम में। ऑब्वियसली वो जनरेशन अलग था, ये जनरेशन अलग है, बट ये टीम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है यार इस टीम में ना, जो जो हमें लगता है बाहर से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बाहर से, आप लोग को ज्यादा ये टीम ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। हाँ, और थोड़ा सा जो कहते हैं ना यकीन उतना नहीं है टीम में। हाँ बड़े अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, प्लेयर बड़े अच्छे हैं,
बट वो यकीन नहीं है कि हाँ कि यार विराट आउट हो गया, रोहित आउट हो गया, तो यार तो वो मैच 70% हमारे हाथ से निकल जाता है, बहुत कम कोई ऐसे आता नीचे से भी मैच जिता देता है। तो ये एक वो है, लेकिन वो हमारी टीम में ऐसा नहीं था, वो विश्वास बड़ा था कि नीचे से यार कोई यूवी बना देगा रन, यूवी नहीं बनाएगा तो फिर राहुल द्रविड़ बना देगा, कोई ना कोई कर देगा, बना देगा, वो फेथ बड़ा था, ट्रस्ट बड़ा था एक दूसरे के ऊपर। आई डोंट नो इस टीम में जो मैचेस में तूने या फिर विराट ने रन नहीं बनाए या ऊपर से पार्टनरशिप नहीं लगी तेरी शिखर की, या फिर तीन अगर ऊपर से आउट हो गए तो फिर वो मैच ना निकल जाता हाथ से। तो वही एक जो चीज है वो मुझे लगता है कि ये टीम बेटर कर सकती है, बाकी टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं है। यू नीड टू फाइंड मोर मैच विनर्स, वो सिर्फ एक या दो लोग टूर्नामेंट्स हो सकता है तेरा, कि वर्ल्ड कप देख कितना अच्छा गया, बट एक बंदे का वर्ल्ड कप अच्छा जाने से आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ही रह गए, बट अगर तीन बंदों का अच्छा जाता या चार का जाता तो फिर वर्ल्ड कप जीत जाते। मतलब हम कहते हैं कि हाँ वो आधे घंटे का ही डिफरेंस हुआ है, कि आधे घंटा बड़ा अच्छा वो क्रिकेट खेल गए, बट वो आधे घंटे की ही गेम है, वही तो मोमेंट्स होते हैं ना। हाँ वही, आधे घंटे में अगर हम विकेट नहीं खोते थे तो शायद हम वो मैच शायद जीत पाते। फिर 10 ओवर जो पहले का 10 ओवर था वही आई थिंक इम्पोर्टेंट था। हाँ वो 10 ओवर खेल लेना चाहिए था हमको, बट एनीवे अभी नहीं। अब वो सिमिलैरिटी ये है कि इस अभी टीम फिलहाल हमारे जो टीम में जो अभी जो बातचीत होती रहती है वो इसी चीज के बारे में होती है कि हमें प्लेयर्स को थोड़े बैक करने चाहिए थोड़े लंबे समय तक, ताकि वो अपना जगह बना सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी लड़का 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर पे खेले वो नंबर पे थोड़े लंबे समय तक खेले, वो कोशिश है। अभी अगेन ये आई अंडरस्टैंड कि कैप्टन और कोच के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि काफी प्लेयर्स है जो बाहर बैठे हुए हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी मैं भी किसी टीम का कप्तान रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है वो टीम पिक करना और एक बंदों को बैक करना। तो आई थिंक अभी शायद आने वाले कुछ समय में हमें पता है कि 3 वर्ल्ड कप है, 2 T20 वर्ल्ड कप है और 1 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो ये 3 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट मेरा तो गोल ये है कि 2 वर्ल्ड कप तो जीतना चाहिए अपने को। बिल्कुल जीतना चाहिए, क्योंकि जैसी जैसा टैलेंट है टीम के पास ना, और जैसे लड़के हैं, जैसे मैं उनको IPL में खेलते हुए देखता हूँ, somehow वो इंटरनेशनल में वैसा खेलते नहीं है। आई डोंट नो वेदर दैट्स अ प्रेशर, जैसे तुमने कहा कि जगह का प्रेशर, कि उनका टीम में यार जगह का प्रेशर, पर जो अगर प्लेयर बनना है तो उनको देन दे विल हैव टू प्ले देयर नेचुरल गेम, व्हाट आई सी देम प्लेइंग इन IPL। IPL में दे लुक टोटली अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर, और सेम बॉलरों को मार रहे होते हैं, ट्रेंट बोल्ट भी यही खेलता है, और भी टिम सऊदी भी यही खेलता है, डेल स्टेन भी यही खेलता था, दुनिया भर के बॉलर यहाँ पे आके खेलते हैं, बट इंटरनेशनल मैच का सिर्फ शायद ये प्रेशर है जैसे तुमने कहा कि उनको डर लगता है कि मेरी यार जगह ना चली जाए टीम से, तो मे बी वो अपनी गेम खेल नहीं पाते हैं उस तरीके से। तो इफ यू गाइस आर लुकिंग टू गिव देम अ गो कि हाँ यार 10 गेम तुम्हें देते हैं सेटल होने के लिए, सो एटलीस्ट दे हैव अ बेटर चांस टू सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो जरूरी है। आई थिंक मुझे पता है हम अक्सर जब हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैसे दादा ने आपको यूवी पाको जैक, वो जो आप लोग का ग्रुप था, जो कोर ग्रुप था उस टाइम पे, जो यंगस्टर करके आप लोग आए थे उस टाइम पे, आप लोग को बनाया, आप लोग को बैक किया, फिर उसके बाद आप लोग ने डिलीवर किया, वैसे ही आई थिंक हम लोग को भी इस बार करना चाहिए। एंड आई थिंक वो लगे हुए, वो प्रोसेस चालू है, सो होपफुली जो भी लड़के को बैक किया जा रहा है और जो भी लड़के को मौका नहीं मिल रहा है या जिसको मौका ज्यादा मिल रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, मतलब वो दोनों डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मुझे लगता है। तो आई थिंक अगर हम खुद से रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे तो आई थिंक यू नो कैप्टन और कोचेज और जो सिलेक्टर्स है उनका काम आसान हो जाएगा। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इवन सेम गोज इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, अगर आप लोग जैसे टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा खेल के आई थी, टीम जीती, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खेले हैं, बट न्यूजीलैंड में वो ये कि चलो तू इंजर्ड था, शिखर की अभी जगह नहीं है, तो पृथ्वी शॉ वापस आया है, बट इट्स गुड टू सी कि पीपल आर गेटिंग देयर चांसेस बैक, समवन लाइक पृथ्वी शॉ
जो बाहर था टीम से, पर उसको लेके आए, उसको बैक किया, उसको खिलाया. बट थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि समवन लाइक शुभमन गिल, जो पहले से टीम में था, और क्योंकि रोहित शर्मा ने ओपन करनी शुरू कर दी है, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है, और रोहित शर्मा इज अ सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर. तो अब जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था, तो देन इट वाज अ कॉल कि आपने शुभमन गिल को पहले खिलाना है या पृथ्वी शॉ को. इट्स नाइस टू सी कि पृथ्वी शॉ को भी आपने साथ में लिया है, बट लगातार अगर शुभमन गिल घूमता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम, नॉट हेल्दी फॉर फॉर द टीम एज वेल. तो कहीं ना कहीं वो मौका उसके लिए बनाना तो होगा ही. कैसे बनाना होगा, नॉट जस्ट फॉर शुभमन गिल, मैं तो एक ये ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी कई प्लेयर होंगे. बिल्कुल बिल्कुल, काफी होंगे ऐसे प्लेयर. आई थिंक वो जब वो कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है. मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं जस्ट नए नए टीम में आया था, मुझे मौका मिला, फिर मौका नहीं मिला, फिर मौका मिला. बट वो आई मीन वो पूरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, और उसके बाद आगे अपने करियर को या अपने ग्राफ को आगे लेके जाता है. आई थिंक ये एक चीज हमें लाना चाहिए हमारे टीम में कि जो भी लड़के को आप खिलाओ, उसको थोड़ी देर तक उसको बैक करो, और उससे जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक उसको टीम से मत निकालो. बिल्कुल, मतलब उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए कोई भी. जैसे ऑलवेज बी इन टू माइंड्स कि ये सही है, ये प्लेयर सही है या नहीं है, ये इस जगह के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो हमेशा चलता रहेगा. जैसे एक श्रेयस अय्यर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग खेलते हो एज ए प्लेयर, आई सी की उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बंदा कहता है छोड़, मैं कप्तान को या कोच को बता देता हूँ, बिकॉज यू आर अ सीनियर प्लेयर एंड यू आर ऑल्सो अ कैप्टन इन फ्यू सीरीज की, और हो सकता है कि आगे वनडे या T20 की कप्तानी भी तू लगातार ही करे. तो समझ लाइक जैसे वो श्रेयस अय्यर का हुआ था ना, वो आया दो मैच खेला, रन बनाया, उसके बाद सडनली वो गायब हो गया था. वो अभी आया है, अभी उसको लगातार मौके मिले. नाउ यू नो ही फाउंड दैट रिदम, ही नोज दैट कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, कि कैसे रन बनाने हैं कैसे नहीं. तो इट्स गुड टू सी हिम कि एक बंदे को अब लगातार रन तो दिया है, एंड ही इज डूइंग वेल फॉर द टीम न्यूजीलैंड में. यू नो इट वाज सो गुड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स इन द मिडिल ओवर्स, कि जहां विराट के रन नहीं बन रहे थे. But Shreyas Iyer was the player of the that tournament for me. अच्छा बैटिंग किया. Shreyas और KL दोनों ने काफी अच्छा बैटिंग किया उस टूर. KL is doing really well. KL is batting beautifully. I think apart from you and Virat Kohli, I think KL Rahul is probably the strongest contender. मैं कह सकता हूँ जो मैच विनर, जिसके ऊपर काउंट कर सकते हैं कि नीचे भी और उसको ऊपर भी खिलाया जाए. उसको बैट उसका उसका बैटिंग देखने के लिए बहुत मजा आता है अंदर से, जब अंदर हो या जब मैं सामने हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे. इतना अच्छा फ्लो है उनके पास, वो फ्लो देखने के लिए बहुत मजा आता है. शॉट्स भी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं. अनबिलीवेबल. वो एक इनिंग उसने खेली थी सौराष्ट्र में वेस्ट इंडीज के सामने, अनबिलीवेबल इनिंग. वो वनडे शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ था. हाँ सॉरी मैं भूल गया. हाँ वो जबरदस्त इनिंग थी यार, कमाल की नहीं. मतलब आई थिंक ही इज गॉट द गेम हु कैन प्ले एट नंबर 5, नंबर 6 एंड ओपन एज वेल. और शॉट्स ऐसे हैं, मतलब जस्ट विद टाइमिंग, जोर वाले शॉट नहीं, मजा आता है. जैसे एज यू सेड ना, कि बैटिंग देखने का मजा आता है उसका. वेरी वेरी प्लीजिंग टू द आई, मतलब सामने से जब आप देख रहे हो ना, वो फ्लो बहुत देखने में अच्छा लगता है. वैसे ही शुभमन गिल का भी मुझे लगता है, शुभमन गिल भी बहुत बहुत फ्लुएंट बैट्समैन है. उनको भी वो भी आई थिंक इंडिया के फ्यूचर है, ऑब्वियसली वो सबको पता है. बट आई थिंक जब उनको मौका मिलेगा, आई थिंक वो कंसिस्टेंट रन मिलेगा ना जब उनको, तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा. अभी उनको पता है कौन मैचेस, कौन से मैचेस खेलने मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वो डोमेस्टिक में काफी रन बनाते हैं. तो आई थिंक उनको भी किसी तरीके से टीम में हमें लाना है. अभी देखो कंपटीशन तो अच्छा है, अच्छा खासा चल रहा है टीम में. लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली आस्किंग कि अभी व्हाट्स हैपनिंग विद धोनी. आई सेड आई डोंट नो. अरे यार वो आप उनको ही पूछो यार. वो एक
एमएस धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते,